अभी भारत में 14,000 एक्रेडिटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो आर एक्रेडिटेड विद द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन 14,000 आउट ऑफ विच 80% आर प्राइवेट एंड 13,000 अदर ट्रेनिंग सेंटर हैं. तो इन सबों को एक रेगुलेटरी ओवरसाइट की जरूरत थी और कई बॉडी थी इसलिए सबों को मर्ज कर करके नेमली नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्थापना की गई आज के कैबिनेट के फैसले से नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ये काम क्या क्या करेंगे स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना उसके बाद अवार्डिंग बॉडीज को रेगुलेट करना जो इन स्किलिंग संस्थाओं को अवार्ड देती हैं और फिर अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन डेवलपर एंड अवार्डिंग बॉडीज और रिसर्च इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. इस नई बॉडी का मूल काम रहेगा कि देश में स्किलिंग के मानक को परिपक्व करना प्रामाणिक करना और स्किलिंग में जो कई फ्री बॉडीज आ जाती हैं उनका भी एक प्रकार से प्रॉपर ऑडिटिंग हो वो कैसा अवार्ड देती हैं क्या देती हैं.